लो जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं भाई इजाज कैसर दे कोल घर इन्हां नूं मिलण आया अज काफ़ी दिनों तो बाद। तो जिस तरह के मैं तुहानूं दस्सिया सी कि नाज़रीन इन्हां दी तबीयत नहीं ठीक, इन्हां नूं को हार्ट का प्रॉब्लम हुई है, को अटैक तो असीं सारे नूं पुछांगे। भाजी पहले दसो, पहले तो नाज़रीन जिहड़े साडी वाम आ जिथे तुसीं अस्सलाम वालेकुम जी गाने गुणे आपां करदे ने, बावा देर तो लोग पुछ रहे भी की गल कित्थे गए भाजी। बस तबीयत दा गड़बड़ हो गई। तो ये मेरे वालों मैनू तुसीं कह गए जी मैं इस्लामाबाद चलां, तो मैं आ रहा। इस्लामाबाद ही होया काम जा। उत्थे किस सिलसिले रिकॉर्डिंग करनी सी? अच्छा, तो कितने दिन रहे तुसीं उत्थे? मैं अजे पहुंचा ही रात 1:30 बजे। अच्छा, जांदे ही काम हो गया। एक मेरे ते हमला आया, उहदे नाल मैं मुकाबला करता रहा सारी रात। मैनू कहिंदे अटैक आ। अच्छा, तो पिछे दर्द शुरू हुई है। अच्छा, वो अगे आ रही बड़ी तेजी नाल। अच्छा, खैर मैं कह नहीं कोई एवें जी दर्द है, उहदे नाल लड़दा रहा सारी रात। खैर सुबह हुई ठीक हो गया। अच्छा, सुबह ठीक हो गया? सुबह ठीक हो गया। अच्छा, मैं एवें सी को दर्द। अगले दिन स्टूडियो गया जिथे काम करना सी। अच्छा, उत्थे काफ़ी दोस्तों का रश इकट्ठा हो गया, जिन्हों जिन्हों पता लगता गया वो आते रहे। खैर वो कहिंदे जी कल काम शुरू करांगे। रात 11 बज गए उत्थे, कहिंदे जी इत्थे ही तुहाडे साडे कोल सौ जाओ। अज उन्हें बिस्तर बिस्तर कर दिते। लेट गया मैं 11 बजे ना, उस सारे थके सन बेचारे डिगदे सौ गए। तो एक हारस बजमी शागिरद है वह जाग रहा है। अच्छा, वो राती जिहड़ा हमला आया फिर वो 10 गुणा ज़्यादा तेज़ हो के आया फिर। अच्छा, फिर वो पिछों दर्द शुरू हो गई, अगे आ गई। अच्छा, सार रुकना शुरू हो गया। फिर मैं क्या चली गया अस्पताल, उत्थे हॉस्पिटल लै गया। फिर उन्होंने 4-5 घंटे लगे उन्होंने मोड़ा पाने। अच्छा, तो उन्होंने दसिया कि जी एक राती होया तुम, एक है दूसरा अज। तो खैर मोड़ा पै गया, मोड़ा पा लिया सी, तो हूँ कार्डियाले जी चले जाओ। और फैसला इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद उन्होंने रेफर कर दिता। मैं कह यार मैं इतने दाखिल हो जावगा तो उतों लोग नसण गए, कले कले लोग खरे किस तरह के हालात हो सकते। वो मैं फिर शागिर्द है इरफान, उन्होंने फोन किया। मैं फौरन आ के मैं लै जा अपने आले इतने कार्डियोलॉजी फैसलाबाद। अच्छा, वो इस तरीके आया कि अभी सुबह 9 बजे इतने कार्डियोलॉजी पहुँच गए। इतने आए हैं तो हसन सादिक साहब खड़े से। अच्छा, उन्होंने दोस्त ने डॉक्टर। अच्छा, उन्होंने समेत साढ़ा इंतजार कर रहे थे खलोते। पहुँचे तो बस जिसम च जान ही कोई नहीं सी। ले जाके कमरे चैक किया उन्होंने, फिर कहते एमरजेंसी लै चलो। एमरजेंसी ले गए तो उन्होंने कोई बोतल बोतल ला दी। फिर उत्ते स्पेशल वार्ड तो 4 दिन फिर उन्होंने उन्होंने मेहनत हुई डॉक्टर। फिर उन्होंने महीने की दवाई लिख दी, उन्होंने कहा कि 1 महीना दवाई खाओ तो फिर चैकअप करवा। चलो बहरहाल भाजी साडिया दुआवां तुहाडे नाल दूरों जिन्हां असी राबते च भी नहीं वह भी थोड़े वास्ते दुआवां कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती रहे। प्यार है। हाँ जी, अल्लाह सब नू सलामत ते इंशाल्लाह ताला दिल सलामत रहे। आमीन आमीन। असीं इंशाल्लाह ताला असीं अपना साजो समान लैके आए नाल, नाल काफ़ी दोस्त साढ़े। तो असीं हुण इत्थों मंजियां छंजियां चुक के थले असीं ममदी बिस्तरा करते हैं। ठीक हो गया। तो असीं भाजी नू ना थोड़ा जिहा रिलैक्स करते हैं, गाने गुणे भी सुनते हैं, नाल गल्लां बातां भी करते हैं, तो नाल थोड़ा बहुत जिहड़ा ना अपना टाइम अच्छा गुजारन की कोशिश करते हैं। लो इस तो बाद देखना तुसीं ठीक निज़ाम चेंज। लेकिन नाज़रीन हम आ चुके हैं नीचे, क्योंकि ये म्यूज़िक का एक मतलब कुछ उसके अपने रिक्वायरमेंट भी होती है, तो यहाँ पे बड़ा इजी फील करेंगे सर भी और मौजू साहब भी हमारे साथ हैं। अच्छा भाजी, ये दसो कि तुसीं कितनी देर बाद गाउन लगे जे हुण? इस्लामाबाद जो तुसीं गए जे उस तो बाद हुण गाउन लगे जे? नहीं, इस्लामाबाद तो गाया गाउन दा टाइम ही नहीं आया, रात में हमला हो गया मेरे। अच्छा, गाया नहीं उथे? नहीं, मतलब तुसीं उस तो पहले मेरे को ही गा के गए जो थे? नहीं, गुजरां वाले गाए, 2 गज़लां रिकॉर्ड कीतियां, उस तो बाद हुण गाउन लगे। उस तो बाद अज गाउन लगे। ओके, ये भी मैं छापा मारिया एकदम, मैं कहा अरदास होए होने ने तो जरा मैं थोड़ा जा रूहदारी करावा। तो लो नाज़रीन तुहाडी फरमाइश ते सर कोई जो तुहाडा दिल करता जो तुहाडा मूड आ सुनाओ। आ
वाह वाह वाह। कुछ न किसी से बोलेंगे, कुछ न किसी से बोलेंगे, कुछ न किसी से बोलेंगे, तन्हाई में रोएंगे, कुछ न किसी से बोलेंगे, तन्हाई में रोएंगे, कुछ न किसी से बोलेंगे। हम बेराहवों का क्या, हम बेराहवों का क्या, साथ किसी के होलेंगे, साथ किसी के होलेंगे, कुछ न किसी से बोलेंगे। खुद तो हुए रुसवाले क्यों, खुद तो हुए रुसवाले क्यों, तेरे भेद न खोलेंगे, तेरे भेद न खोलेंगे, कुछ न किसी से बोलेंगे, हिजर की शब सोने वाले, हिजर की शब सोने वाले, हश्र को आंखें खोलेंगे, हश्र को आंखें खोलेंगे, कुछ न किसी से बोलेंगे। नींद तो क्या आएगी फराश, 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 मौत आई सोलेंगे, मौत आई तो सोलेंगे, कुछ न किसी से बोलेंगे, तन्हाई में रोएंगे, कुछ न किसी से बोलेंगे, कुछ न किसी से बोलेंगे। वाह 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 भाजी, क्या बात। अच्छा, अहमद फराज साहब दी सी है।
ऐ जज्बाए दिल घर में चाहूं, ऐ जज्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। ऐ जज्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गाम चलूं, मंजिल के लिए दो गाम चलूं, और सामने मंजिल आ जाए। जज्बाए दिल घर में चाहूं, ऐ दिल की ख्वाहिश चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में। ऐ दिल की ख्वाहिश चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में। उस वक्त मुझे भटका देना, उस वक्त मुझे भटका देना, जब सामने मंजिल आ जाए। जज्बाए दिल घर में चाहूं, अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम, होने दे सितम बालाए सितम। अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम, होने दे सितम बालाए सितम। मैं चाहता हूँ ऐ जज्बाए मुश्किल पसे मुश्किल आ जाए। ऐ जज्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। ऐ जज्बाए दिल घर में चाहूं। वाह 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 वाह। लो जी नाज़रीन, मैं तुहानू गल दसां, भाजी का ना मतलब कुछ थोड़ी जी वीकनेस, क्योंकि एडा वड्डा मतलब अल्लाह माफ़ करे दुख अटैक, उसकी वजह ना कुछ वीकनेस कुछ बॉडी च उंगलियाँ, क्योंकि यह काम जरा ना ये रियाजत ताकत, लेकिन ये अच्छा सारा कुछ मैं ये देख रहा हूं कि हाथ भी प्रॉपर मतलब एक कमजोरी की वजह तो नहीं वर्क कर रहा, लेकिन आवाज़ जी एज लगता कि 22-23 साल के ना जवान रियाजत वाले मुंडे का आवाज़ आ। ये तुसी कितने वेले बैठे कितने साढ़े तो चोरी दुनिया तो रियाज़ तो नहीं डेली करते रहने के आवाज़ से कमजोरी तो बुजुर्गी क्यों नहीं नजर आ रही? दुआवां दी गल है सर, डरते रहने की गल है, मौला तो डरते रहो और दुआवां जिन्नियां भी लै हो दुआवां लवो, क्यों इहदे च असर ही दुआ नाल हुंदा। दुआ बड़ी चीज़। बहरहाल नाज़रीन भाजी वास्ते बहुत बहुत दुआ करनी है तुसी, क्योंकि हुण ते तुहाडे कोल टाइम भी बहुत ते साडी ओह कौम ऐसी है ना। फिलहाल सारे दोस्तां के द्वार दुआ के गुजारिश है कि सारी दुनिया लिए दुआ करो, पूरी आदम दी औलाद लिए। बिल्कुल सही गल है। अच्छा भाजी, जिहड़े मतलब गैर मुस्लिम ने या ये भी आदम दी औलाद ने? सब आदम दी औलाद ने, हजरत आदम दी औलाद ने सारे, सब आदम मतलब कितने ना कितने फिर साडी रिश्तेदारी माइकल जैक्सन ना भी है, सारेयां नाल ही है। सब बड़े गुलाम अली भी मेरे फिर कुछ ना कुछ लगते निकल आने तेरे, वो भी कितों ना कितों शेख निकल आने। ओ मेरे मौला, या फिर मैं कितों ना कितों बड़े गुलाम आ लग बस ठीक है। नहीं मैनू कदी कदी लगता
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਛਾ ਸੁਰ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੁੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਹਿਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਤਾਂ ਤੋ ਫਿਰ ਉਸ ਪੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹਾ ਹਾ ਆ उस पे मर गया कैसे मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे मैं होश में था कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे मैं होश में था रहबरी होगी नशे में था तुम्हें अपने ही घर गया कैसे ये जहर में उतर गया कैसे मैं होश में था
जिसे बुलाए कई साल हो गए काम जिसे बुलाए कई साल हो गए काम जिसे बुलाए कई साल हो गए काम मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे मैं होश क्या बात है भाजी। अच्छा भाजी उन्हें दसो भी जे क्योंकि हुण ते लॉकडाउन आ ते जे मैं को तीजे चौथे दिन फोन करके दे आ गए एक प्रोग्राम इदा दो तीन गाने रिकॉर्ड कर लिया करी आपां थोड़ी जी होर सेहत संभल लवे मतलब 8-10 दिन दा वक्फा दे लिया है हफ्ते बाद ता हफ्ता कर लेंगे चलो अल्लाह खैर करे ते फिर इंशाल्लाह तआला मुलाकात होएगी भाजी तुहाडे नाल तो क्योंकि अजकल वो घर जाने तो भी परहेज हो रहा ना एक दूजे ना बहुत मिलन मुलन तो भी सके रिश्तेदार साडे महल एक भाजी घर वाला उन्हें बाहर लिख के लाया मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है ठीक हो गया भाजी मैनू भी माड़ा मोटा गाना आता वा कभी कभी मैं थोड़े तो ज्यादा अच्छा गा लेना तुम्हें पता बिल्कुल बकवास कर रहे जो तो तुसी कितने सुते होने ना उदो मैं बहुत अच्छा गा बहुत अच्छा गा खतरा नहीं ना जो तो तुम समात नहीं ना हो रही हुंदी किसी ने रोकना नहीं बिल्कुल निकलया ते हर बंदा अच्छा नहीं गा नहीं मैं एक दो मुंडे रखे नाल जेड़े दाद देण ले हां ठीक केड़ा है ना ए सारे नाल दे ए बिल्कुल नहीं कहंदे पर देखो ए मैं अगर गावणा इन्होंने तुहाडे बहुत ही मैनूं दाद देनी है इन्हां नौकरी नहीं करदे तेरे कोई यार मैं वही तो कह रहा इतने दाद होंगी है उत्थे दाद के अगे अम लग जाता फिर अमदाद इमदाद हाँ अजकल इमदाद दी जा रही है हाँ तो वो इन्होंने पता ना फिर साड़ी बंद हो जानी गुरू भी कितने कितने दी जा रही है। अच्छा भाजी ये नहीं इमरान खान साहब दे रहे 12,000 मैं तो मैंने तो उन्होंने कही लै जा अच्छा मैनू ये भी पता लगा कि नहीं नहीं जिनी देर मैं जीना तुम अमदाद लैन की लड़ नहीं तो भाजी हूँ तुम आराम करो मैं चलदा ठीक हो गया ते सिरे नाई भेजा कोई तुहाडे अल मैं नहीं मैं आप ही लब लांगा अच्छा तुसी नाई तो भी डर रहे कि पता नहीं कितों कितों फिरदा आया कितों फिरदा केनु केनु हाथ ला के आया वे आही भी गल सही चलो भाजी तुहानू वैसे जिंदगी दे हाथ ते बहुत लगे ने बड़े ते हुण तुसी यानी कि ए नाथा तो तुसी डर रहे मेरे शागिर्दी बहुत ने लंबे लंबे थां ले हां उन्होंने घुट घुट के मैनू शलिंग कर दित्ता भाजी अल्लाह पाक तुहानू बहुत सेहत तंदुरुस्ती देवे दुआ करना और साडे सारयां दीआं दुआवां कमेंट्स जिहड़े आउणे ने ओह मैं पढ़ने ने मैं तुहानू अगली वारी सुणावांगा इंशाल्लाह लेकिन मैनूं पता है कि सारे ने तुहाडे वास्ते बहुत दुआवां करनियां ने क्योंकि साडा इक जिहड़ा चंद थोड़ा जिहा सरमाया रह गया ना म्यूजिक दा खालस म्यूजिक दा साडे मुल्क को जिहड़ा रह गया उहनां दे विच भाजी शुमार ने जिहड़ा बहुत शॉर्ट रह गया गाउण वाले ते हुण देखो ना मतलब मैं भी गाई जांदा लेकिन उन्होंने रह गया और सानू चाहिए कि असी बहुत बहुत दुआ करिए और दुआवां दा ही असर आ गया भाजी उन्होंने एड्डी सीरीयस अटैक होया लेकिन अल्लाह ने दिनों के माशाल्लाह अल्लाह ने खैर ही की है मतलब दिन ब दिन हर गुजरता घंटा दिन भाजी सेहतयाब होकर अज असी इन्हों सुन रहे हैं यूँ करम नवाजी तुहाड़ियां दुआवां दा ही सदका है सर बहुत शुक्रिया अपना बहुत बहुत ख्याल रखना तो अल्लाह हाफिज़ जी अल्लाह।